जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सुखपाल सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस आपके बीच मची रार। राजनीति से क्या लेना देना बता गई मीरा कुमार। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ये दोनों ही पार्टियां INDIA के गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में खेरा की साल 2015 में दर्ज हुई मामले में गिरफ्तारी के बाद से दोनों आमने सामने आ गई है। खेरा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता मीरा कुमार का बयान भी सामने आया है। पंजाब पुलिस ने 2015 के ड्रग्स मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने शनिवार को कहा कि ये कानूनी मामले हैं और कानून के तहत गिरफ्तारियां की गई है। पूर्व स्पीकर और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने शनिवार को कहा ये कानूनी मामले हैं, कानूनी के तहत गिरफ्तारी की जाती है। यह एक अलग मामला है, इस मामले का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। क्या बोले अरविंद केजरीवाल इस मामले में? आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम किसी भी हालत में गठबंधन से अलग नहीं होंगे, लेकिन ड्रग्स से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे पता चला है कि पंजाब पुलिस ने कल किसी कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है, इसका तो पंजाब पुलिस बताएगी, लेकिन हमने नशे के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है। मैं किसी व्यक्तिगत मामले या व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नशे के खिलाफ इस जंग में कोई कितना भी बड़ा या छोटा व्यक्ति हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम की इस योजना का लाभ लेने के लिए आज है आवेदन का आखिरी दिन। इतने लाख लोग पहले ही कर चुके अप्लाई। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक 1.5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन कर दिया है। शुक्रवार की सुबह तक आवेदनों की संख्या 1.5 लाख थी। उद्योग विभाग का आकलन है कि इस बार संख्या 2 लाख के ऊपर जा सकती है। पिछले वर्ष 2.5 लाख लोगों ने इस योजना के तहत लाभ हासिल करने को आवेदन किया था। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक 1.5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन कर दिया है। शुक्रवार की सुबह अब आवेदन की संख्या 1.5 लाख थी। आवेदन की स्थिति शनिवार को खत्म हो रही है। उद्योग विभाग का आकलन है कि इस बार भी संख्या 2 लाख से ऊपर जा सकती है। पिछले वर्ष 2.5 लाख लोगों ने इस योजना के तहत लाभ हासिल करने को आवेदन किया था। 8,000 लोगों को मिलना है योजना का लाभ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8,000 लोगों को लाभ मिलना है। इनमें 2,000 महिलाएं भी हैं। इस योजना के तहत 4 योजनाएं चलती है। इनमें एक है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, दूसरी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, तीसरी मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना और चौथी मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, राजद ने फिर खेला नया दांव। कहा पहले राष्ट्रपति बिहारी थे, अब पीएम की बारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर अब तक जदयू ही मांग करती रही है, परंतु ये पहली बार है जब राजद ने खुलकर इस पर अपनी बात कही है। INDIA गठबंधन में शामिल लालू यादव की पार्टी की ओर से ऐसी मांग की सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। विपक्षी दलों के एजुकेट होकर INDIA गठबंधन बनाने के बाद इस बात को जदयू के कई नेता अब तक कहते रहे हैं, परंतु अब यह मांग लालू यादव ने नेतृत्व वाली पार्टी राजद से भी उठने लगी है। राजद ने शुक्रवार को नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के योग्य बताया है। उनका कहना है कि बिहार के लोग नीतीश को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं, उनमें इसके लिए सभी योग्यताएं हैं। राजद ने दिए समर्थन के संकेत। दरअसल शुक्रवार को राजद कार्यालय में पत्रकार से बातचीत के दौरान राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने इस तहत के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के लोग 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पद पर
देखना चाहते, यह हमारी भी निजी इच्छा है। नीतीश इस पद के योग्य है, उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV आप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।